तो शुरू करें। दिखाई सभी को दे रहा है क्लियर? कल क्या पढ़े थे हम लोग? कल हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, एरे पढ़े थे। ठीक है, एरे पढ़े थे तो अच्छी बात है। अभी कौन डिस्टर्ब करने लगा? इसके बाद में मोबाइल फ्लाइट मोड में ही डाल दूंगा। हाँ, घातक होता है ज्यादा ज्ञानी होना। खैर छोड़िए, तो हम लोग कल एरे पढ़े थे जी। सारे लोगों ने प्रैक्टिस करा? नहीं किए प्रैक्टिस? क्यों प्रैक्टिस कर लिए नहीं किए? क्यों? और कमलेश ठीक ठाक है ना? ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लिए ना? ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, छोड़ दो। अच्छा, इसी तरह का डिजाइन प्रिंट करना है आपको, हो जाएगा ना? नहीं होगा? क्यों, हो जाएगा ना? नहीं होगा? चलो अच्छा, इतने को प्रिंट कर देना, बढ़िया रहेगा। ये डिजाइन प्रिंट कर सकते, हो जाएगा ना? हैं? ठीक है ना, हम समझे। इतने को प्रिंट कर देना तो ठीक रहे। क्या बताए? बढ़िया है ना, बढ़िया है ना हाल? हाल समाचार तो बढ़िया है ना? अच्छा, एकदम नहीं है। तो ऐसा ही कुछ आपको प्रिंट करना है कमलेश, प्रिंट हो जाएगा ना? नहीं होगा? अच्छा, लिख दोगे? नहीं, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू में बोल रहा हूँ कि एरे बनाइए, टू डाइमेंशनल मल्टी या मल्टी डाइमेंशनल। ठीक है, पीछे गरिमा ठीक ठाक है ना? आपको ये प्रिंट करना है। ठीक है, और भी कोई है क्या? गुलशन, आपको ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट हो जाएगा ना? बड़ा आसान काम है। हाँ बताइए, बताइए ना आप। हाँ वही हूँ, बताइए। किधर था जरा बताना? ओ, मैं गलती से लिख दिया। चलिए आप 10-11 प्रिंट कर दीजिएगा। ठीक है, 12 यहाँ पे कर दो ना। चलिए, अब हो जाएगा ना? नहीं होगा? हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा। ये डेटा आपको एरे में रखना है और ऐसे प्रिंट कर देना है, हो जाएगा? अब 1 2 3 4 जो मैं लिखा हूं, वहां उसके जगह पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ठीक ठाक है ना सबका? चलिए, नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो जयसवाल ठीक है ना? हाँ, ऐसा पता नहीं यार। तो जयसवाल बढ़िया है ना? हाँ, नहीं, पुष्पा का डायलॉग तो अभी आया है, मैं तो पहले से यूज करता था। पुष्पा लेट में रिलीज हुआ है। ठीक है, तो जयसवाल ठीक है ना? ऐसा प्रिंट हो जाएगा ना? आपको ऐसा प्रिंट करना है, हो जाएगा? नहीं होगा?
ऐसा। अच्छा चलिए इन सबको मैं हटा देता हूँ, ऐसा प्रिंट करना होगा आपको, प्रिंट हो जाएगा ना, नहीं होगा। चलिए जी ठीक है, अच्छा चलिए हटाइए इन सबको, ठीक है। तो अरे हम कल पढ़ लिए थे, ठीक है, तो सभी से पिछला प्रोग्राम बन गया ना, नहीं बना, बन गया नहीं बना, सब लोग चुप जाओ, अब हाल चाल नहीं पूछूंगा। तो कल समझ में आ गया ना, नहीं आया। चलिए जी कैर, अच्छा कैर वायर को छोड़िए, ठीक है, ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, सी लिखूंगा, डी लिखूंगा, ये क्या कहलाएगा, अक्षर, कंप्यूटर के भाषा में बोलू बोले तो कैर, माने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ही है ना। लेकिन अगर इसी में आप क्या करोगे, इन सब को जोड़ दोगे तो क्या होगा, जैसे ए बी सी डी, ए अब क्या बन गया, ए हो गया वर्ड, ठीक, कंप्यूटर के शब्द में बोले तो क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, देसी भाषा में बोले तो क्या होगा, क्या होगा जी, शब्द, ठीक है, शब्द हो गया ये, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं कि क्या काम करें, हमरे से पूछे हमारा नाम, जैसे ही हम अपना नाम दे दें तो नाम पूरा प्रिंट कर दें, ठीक। तो कैसे होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा, मेन लिख लूंगा, ठीक है, कैर, ठीक, नेम, यहां पे मैं क्या दे दूंगा, 10, मतलब क्या कि 10 डिजिट का मैं नाम अपना एंटर करना चाह रहा हूं, ठीक है। कैरेक्टर में तो एक ही कैरेक्टर आता है, डबल कॉलन दिया, एस दे दिया, कॉमा दिया, फिर ई दे दिया, ठीक है, एम दे दिया, ए दे दिया, ठीक है, और आई सी कॉमा देते जाऊंगा और मैं लिखते जाऊंगा, एन लिख देता हूं मैं, ठीक है, फिर कॉमा दिया और टी भी लिख देता हूं, यहां पे दे दूंगा मैं सेमी कॉलन, ठीक। तो कोई भी शब्द बनता कैसे है, अक्षर को मिला करके, ठीक है। तो कैर टाइप का मैंने एरे ले लिया जिसका 10 साइज दे दिया, ठीक है, और इसमें क्या किया, मैं ढेर सारा कैरेक्टर स्टोर कर दिया। अब इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा, मतलब कलेक्शन, क्या इसको कहेंगे, कैरेक्टर का कलेक्शन स्ट्रिंग कहला जाएगा, या कैरेक्टर का कुछ कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग हो जाएगा, यही होगा ना भाई। हमने कुछ अक्षर को निकाला और जिसका कॉम्बिनेशन बनाया और वो क्या कहलाएगा, शब्द। उसी तरह से कैरेक्टर का हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया, कुछ कुछ कैरेक्टर लिया हमने आपस में उसको कॉम्बिनेशन करा, ठीक है, और वो क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गया, माने वर्ड बन गया, मैं ऐसा ही कह रहा हूं ना, नहीं कह रहा हूं, तो ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एफ परसेंट, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंट सी, ठीक, नेम 0, ठीक, 0 क्यों, 0 लिखने के लिए तो मैं 1 लिख रहा हूं। अब इसको मैं कंपाइल रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट मार दूंगा, ठीक है, 1 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, ठीक है, पूरा नाम आ गया, एक शब्द गायब हो गया, ले लाते हैं उसको भी, शब्द नहीं अक्षर गायब हो गया, इसको भी ले लाते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, पूरा नाम आ गया ना। अब इसको लूप के माध्यम से चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे जी, बहुत आसान, ठीक, फॉर लिख देंगे, ठीक है, एक तो वेरिएबल बना लूंगा आई, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0, 0 से मेरे को प्रिंट करना है, आई लेस देन
ठीक है, 10 कर देंगे, फिर कॉमा आई प्लस प्लस, हो गया, हो गया ना, नहीं हुआ, रन कर दो प्रोग्राम, चल जाएगा, नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, का करूं तो फिर चलेगा, ब्रैकेट। अच्छा ऐसे आप लोग कह रहे हो क्या, मान लो कि ये ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं है तब चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चला दें, नहीं बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, यहाँ लाइन नंबर 4 यहाँ पे ऐसे, अच्छा यहाँ पे, चलो यार इसको तो मैं भी भूलिए रहा था, अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, अरे चलेगा यार, जीरो के जगह पे आई कर देंगे ना तब सबका प्रिंट कर देगा, क्यों, कंपाइलर बाबा से पूछ लेते हैं, ये तो कंपाइलर बाबा चला दिए, ऐसे चल जाएगा। इंटरनली होता क्या है ना कि यहाँ पे ये देख लो, दिया स्लैश जीरो कर दिया मैं, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ये नल को डिफाइन करता है कि आखिरी में अगर नल आ गया, मतलब नल आ गया तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है इसका कि करेक्टर जो भी था हमारा वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम कंडीशन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे हम ऐसे भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, नल को डिफाइन करने के लिए जीरो लिख देते हैं, ठीक, ऐसे कि नेम का इंडेक्स में अगर ये अगर नहीं है तब इसको चलाओ, लेकिन अगर ये आ गया तो क्या करो, लूप को खत्म कर दो, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है, तो इम्प्लिसिट नल यहाँ पे आ जाता है, और मैंने यहाँ कर दिया नहीं करूँगा तो इम्प्लिसिट जो है ले लेता है, कब ले लेगा बताऊँगा मैं, अच्छा बताऊँगा क्या, यहाँ पे तो लिख ही दिया हूँ मैं सीधा, अगर यहाँ पे मैं ना दूँ ना इसको तो क्या ये नहीं चलेगा, चलेगा जी, अपने आप ये जितना लेंथ है उतने लेंथ का एरे बना के वो रख लेगा, ठीक है, ये लो रख लिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्ट्रिंग के साथ अगर काम करना है तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, राइट, लिख लो, ठीक है, लिख लो, आप लिखना है तो, फोटो खींचना है तो खींच लो, जवन करना है कर लो, ठीक है, फोटो फाटो खींचना है तो खींच लो, लिखना है तो लिख लो। ऐसा मेरे को क्यों लगता है कि मेरा प्रोजेक्टर धुंधला आ रहा है, चलो समझ में आ गया सबको, क्लियर है, नहीं है क्लियर, सब लोग लिख लिए पीछे, हो गया, लिख लिए सब लोग, चलिए, तो ये तो है स्ट्रिंग को हैंडल करने का इंटरनल कहानी, ठीक है, इन सब को मैं यहां तक आके कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा ऐसे, ठीक है, सीधा इसमें क्या कर दूं, ऐसे पास कर सकता हूं क्या यार मैं, ऐसे स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एस दे दूंगा और यहां पे कर दूंगा नेम, ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, लो जी आ गया, इसको मैं हटा देता हूं, क्यों ऐसे, ये तो नल आ गया जी, मजा नहीं आया, तो क्या करना चाहिए इसमें,
कुछ दिमाग उमाग बताओ, सिंगल कोट में कर दूँ तब चलेगा क्या? थोड़ा लगाओ यार दिमाग उमाग कुछ। क्यों, तब तो हो गया इसका कल्याण। क्यों, हो गया ना? बताओ जी, इसको अगर मेरे को प्रिंट करना है तो कैसे करना पड़ेगा? सी स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो यस दे दिया, ये सही है आप मान लो। अरे यार सिंपल सा लॉजिक है, इसको ऐसे कर दो ना थोड़ा सा, चल जाएगा आप? नहीं चलेगा, क्या कहते हो? कंपाइल रन करूं? बताओ, चलो करिए देते हैं कंपाइल रन। ठीक है, चल गया। यहाँ पे अब कुछ हम चाहें तो लेंथ डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाला। क्यों? क्योंकि अब सीधा यहीं पे मैं असाइन ही कर दे रहा हूँ वैल्यू, तो जितना वैल्यू लेंथ का वैल्यू होगा वो सीधा इसमें असाइन हो जाएगा और परसेंट एस के माध्यम से हम इसको प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। मैं सीधा यही आपको बताना सोचा कि बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि एरे में बता दूंगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो एरे वाला जो मैं करा वो इंटरनली होता है वैसा ही। ठीक है, अब मैंने ये जो किया है ये ऐसे हम लोग कर देंगे। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करेंगे जी? बहुत आसान, हटा दूंगा इसको, मैं ऐसे पास कर देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा स्कैन एप। ठीक है, परसेंट एस कर दूं यहाँ पे, क्या कर दूं जी? बताओगे आप लोग? नहीं बताओगे? या नहीं, अभी नेम हो गया। अब मैं कंपाइल रन करूंगा तो चलेगा प्रोग्राम? नहीं चलेगा? बताओ भाई कुछ, ये तो चल गया यार, जादू हो गया। क्यों, ये देखो चल गया, लेकिन हो गया इसको समस्या। क्यों समस्या हो गया जी? आप लोग समझदार हो, ज्ञानी लोग हो। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत है किसी को? यहाँ पे सिंपल सा कंपाइलर रन करिए, नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब आपको फोटो खींचना है तो खींच लीजिए जी इसका। तो ये आसान काम है ना, ये सब है नहीं है, क्या लगता है आप लोगों को? क्या कह रहे हो, आसान काम नहीं है? है, कितना आसान काम है। पीछे आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया? चलो, और सब ठीक है ना? नहीं है, कमलेश का सही है ना? ठीक है, तो समझ में आ गया अब तक का सारा कहानी? पक्का अब तक का सारा कहानी समझ में आ गया ना? नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना दिक्कत? है दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है, और दिक्कत है तो और अच्छा है। क्यों, प्रॉब्लम भी उकरे पास जाते हैं जो प्रॉब्लम को झेल पाता है। क्या चीज, क्या कहावत? बिल्कुल गलत है ये कहावत, ये तो डायलॉग है। ये बिल्कुल गलत है कहावत। तो आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहा है कहावत गलत है तो फिर बोल क्यों रहे हो? क्यों, अभी मूड नहीं है, कल बता दूंगा। नहीं अभी मूड नहीं है, बाद में बता दूंगा। है हाँ, सत्य कहा आपने। मैं तो ऐसे ही बोल दिया। चलिए तो आगे चले जी, चलिए
स्ट्रिंग बता दिया, एरे बता दिया, तीन चार चीजें और बता देता हूँ जिसमें कि एक होगा पॉइंटर, फिर होगा फंक्शन, फिर होगा फाइल हैंडलिंग, फिर मन करेगा तो कुछ और पढ़ लेंगे। फंक्शन बना बता देता हूँ पहले, फंक्शंस पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग पढ़ लेंगे, ठीक रहेगा ना? हाँ, तो इसको मैं यहां से डिलीट मार दूं, खत्म कर दिया, डिलीट मार दिया, ठीक। मेन ये क्या है? फंक्शन, ठीक। हमें मेन फंक्शन लिखना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से शुरू करता है इसको चलाना, ठीक है। लेकिन इससे पहले, ठीक है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कई लोग कई तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक दो तरह से मैं भी आपको बता देता हूं। कुछ लोगों का मानना है जी, ठीक है, कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है जो कि एक तो हमें ब्लॉक उपलब्ध कराता है जिसमें हम किसी भी तरह का बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। बिजनेस लॉजिक का मतलब किसी भी तरह का हम कोड लिख सकते हैं जो हमें करना है, ठीक है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है जिसमें जो एक तो ब्लॉक हमें क्रिएट करके देता है। ब्लॉक किसे कहा जाता है? ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इतना यही ब्लॉक है। तो एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है, जैसे मैं लिख दिया सम, सम नाम का फंक्शन बनाना था मुझे, तो मैंने सम लिखा और फिर पैरेंथेसिस दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और बंद कर दिया। फंक्शन यहाँ पे हमारा बॉडी बंद हुआ, फंक्शन का यहाँ पे फंक्शन का बॉडी बंद हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है जो हमें एक ब्लॉक उपलब्ध कराता है जिसमें हम किसी भी तरह का अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर फंक्शंस को आप दूसरे शब्दों में ये कह लो जी, ठीक है, कि फंक्शंस कुछ पीस ऑफ कोड है, ठीक है, कुछ लाइन ऑफ कोड है फंक्शंस, जिसका कि कुछ नाम होता है, ठीक है। और वो फंक्शन कब में जो कुछ पीस ऑफ कोड रहता है वो कब चलता है? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कुछ पीस ऑफ कोड होता है जिसका एक नाम होता है, हम जब कॉल करते हैं तब वो लाइन ऑफ कोड जो लिखा रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे पीस ऑफ कोड में क्या होगा, जैसे इस ब्लॉक के अंदर मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ, ठीक है, लिख देता हूं इंटर एन यू नंबर, ठीक है, इंटर टू नंबर टू यू एम बी आर, ठीक है, ऐसे। फिर यहां पे करूंगा स्कैन एफ, ठीक है, और यहां पे मैं क्या कर लूंगा, परसेंट डी ले लूंगा, फिर परसेंट डी ले लूंगा, फिर कॉमा लूंगा, एंड ए ले लूंगा, कॉमा ले लूंगा, एंड बी ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर कर दूंगा प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ डबल कोट में परसेंट डी लिख दूंगा, ठीक है, फिर कॉमा दूंगा, ठीक है, फिर क्या कर दूंगा ए प्लस बी कर दूंगा और उसका सम आ जाएगा इसमें। अभी वेरिएबल को हमको बनाना पड़ेगा आई एन टी ए कॉमा बी सेमीकॉलन, ठीक। अबे सम नाम, तो क्या मैंने बताया कि फंक्शन कुछ पीस ऑफ कोड होता है, तो इतना पीस ऑफ कोड मैंने लिख दिया, ये टोटल फंक्शन बन के रेडी हो गया। उसका कुछ नाम होता है, तो इस फंक्शन का क्या नाम है? ये नाम है इस फंक्शन का, ठीक है। अब ये कब चलेगा? ये मैंने लिख दिया तो क्या ये चलने लगेगा? नहीं चलेगा। ये कब चलेगा? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल कैसे किया जाता है फंक्शन को? तो जहां भी फंक्शन को कॉल करना है बस ये लाइन आप वहां पे लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया तो यहां पे फंक्शन कॉल हो गया, ठीक। तो ये कहलाएगा कि फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, ठीक है, फंक्शन पूरा लिखा ये डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। मेन फंक्शन बना लेता हूं, क्यों? क्योंकि मेन से ही प्रोग्राम चलना शुरू होता है, ठीक है। और यहां पे मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूं मेन में, यहां पे ऐसे कॉमा दे दिया ऐसे, ठीक। इस फंक्शन को मैंने यहां पे कॉल कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर देता हूं। दो लिखा, तीन लिखा, पांच आ गया ना, पांच आ गया था इसका आउटपुट, और फिर प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया टर्मिनेट। तो ये कहलाएगा फंक्शन कॉलिंग, ये कहलाएगा फंक्शन का पूरा डेफिनेशन है, ठीक। फंक्शन कब चलता है? जब फंक्शन को कॉल किया जाए। बगैर कॉल किए फंक्शन नहीं चल सकता,
यहाँ पे अगर मैं कमेंट कर दूं फंक्शन को तो क्या चलेगा? फंक्शन नहीं चलेगा जी, फंक्शन किसी कीमत पे फंक्शन नहीं चलेगा यहाँ पे, ये देखिए नहीं चला ना। अब कमेंट को हटा दिया, ठीक है, तो ये देखिए 10 20 आ गया, 30, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। फंक्शन को बेसिक लिखने का सिंटेक्स क्या है फंक्शन बनाने का, अब मैं बोलूंगा तो लिखिएगा, ठीक है। पहले लिखेंगे क्या हम, फंक्शन नेम, ठीक है, जेड यानी अभी फंक्शन नेम लिखेंगे, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर हम ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक। यहां पे हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, ठीक। यहां पे क्या होता है, रिटर्न टाइप, ठीक, रिटर्न अंडरस्कोर टाइप होगा, ठीक है। ये है बेसिक फंक्शन का, फंक्शन लिखने का सिंटेक्स, ठीक। यहां पे हो गया ईआरजी, इफ एनी, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक। अब यहां पे लिख दिया तो ये आपको भारी भरकम लग रहा होगा कि क्या लिख दिया, लेकिन यहां पे जो मैंने फंक्शन बनाई है तो भारी भरकम नहीं लग रहा है ना, लग रहा है? तो इसको हम थोड़े देर में देखते हैं, ठीक है, हम पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फंक्शन के पहले तो मैं प्रकार आपको बता दूं, ठीक है, दो तरह का फंक्शन होता है, कौन सा? एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक, CFUNCTION, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन जो कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है, कट करता हूं इसको, फंक्शन जो है कितने तरह का होते हैं, दो तरह के, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको कहेंगे, जो फंक्शन हम बनाते हैं, मतलब ये जो सम नाम का जो फंक्शन है ना इतना बड़ा जो यहां पे हम कॉल किए हैं, ये किस तरह का फंक्शन है, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक। और यहां पे scanf लिखा हो ना, scanf लिखा हूं, फिर इसमें मैं पैरेंथेसिस दिया हूं ना, तो ये भी तो एक तरह का फंक्शन है, लेकिन scanf को हमने तो नहीं डिफाइन किया है, हमने तो नहीं बनाया है ना scanf printf को, तो ये कहलाएगा प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक। हमने नहीं बनाया printf को और scanf को, ये पहले से बना बनाया है, मतलब ये है प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से बना है, और ये सम फंक्शन को हमने बनाया है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक। समझ में आ गया आपको प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, आ गया ना? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब फंक्शन लिखा कैसे जाता है, तो सिंपल सा है, पहले हम देंगे फंक्शन का नाम, ठीक, नेम लिखेंगे, फिर दे देंगे पैरेंथेसिस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस से ऐसे कर देंगे। ये बेसिक सिंटेक्स जो मैंने इसी सिंटेक्स के माध्यम से इसको बनाया जो है, ठीक है, लेकिन एक फंक्शन को बनाने का जो पूरा सिंटेक्स है, फुल सिंटेक्स है, वो ये है, ठीक, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है रिटर्न टाइप, ठीक है, फंक्शन का कुछ कैटेगरी में जो है फंक्शन डिफाइन बनाया गया है, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरी में बनाया गया है जी फंक्शन, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसको आप कॉल करेंगे, ठीक है, तो कॉल करेंगे आप उसको बुलाएंगे तो कुछ आपको देगा, ठीक। जैसे मैंने आपको बुलाया, आप मेरे पास आए और कुछ सामान मेरे को दिए, तो क्या कहलाएगा, रिटर्न करना, ठीक। तो ऐसा फंक्शन जिसको कॉल करने पे कुछ रिटर्न करता है कुछ, ठीक है, रिटर्न अगर कुछ करता है तो क्या कहलाएगा, यहां पे रिटर्न टाइप में आपको देना पड़ेगा, ठीक।
और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे, या तो वाइड लिख दोगे, ठीक। फिर उसके बाद है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, पर कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे इंट, इंट एक कीवर्ड हो गया ना, तो ये आप नहीं लिख सकते जी, ठीक है। जैसे यहां पे सम लिखा हूं, तो सम के जगह पे इंट नहीं लिख सकता मैं, या फिर वन सम नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। कंपाइल रन करूंगा तो देखना जी अभी क्या होगा। कॉलिंग के टाइम पे भी वन सम दे देता हूं मैं, अब देखना मैं कंपाइल रन करूंगा तो क्या होगा। हो गया यही, ठीक है। तो यहां पे आप नहीं दे सकते। वेरिएबल बनाने के जो रूल में मैंने बताया था ना आपको, वही रूल यहां पे भी फॉलो होगा। सम वन लिख देता हूं मैं, ठीक है। सम वन यहां पे मैंने लिखा, अब इसको मैं कंपाइल रन करूंगा, ठीक है। तो देखिए हो गया ना कंपाइल रन, तो ये यहां पे आप दे सकते हैं। फंक्शन के नेम में स्पेस नहीं हो सकता जी, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं देंगे आप, देंगे तो सिर्फ अंडरस्कोर, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। तो जैसे मैंने वेरिएबल का नेम बनाना बताया था, वैसे ही फंक्शन का नेम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट दे देंगे, ठीक। ब्रैकेट के अंदर कुछ आर्गुमेंट अगर पास करना है तो आप पास करेंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे ऐसे, ठीक। चलिए, तो ये था फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं। फंक्शन के कुछ कैटेगरी हैं, ठीक है। कितने कैटेगरी हैं? कुछ चार कैटेगरी हैं, ठीक। एक कैटेगरी में क्या ले लूं मैं? कुछ भी नहीं देगा, ठीक। कुछ भी नहीं लेगा, एक कैटेगरी है फंक्शन का, कुछ भी नहीं देगा, ठीक। कुछ भी नहीं लेगा, ऐसा फंक्शन जो कि ना कुछ देगा आपको ना आपसे कुछ लेगा। गलत लिखा है, गलत लिखा है। अब ठीक है, ऐसे अब ठीक है। चलिए जी, कुछ भी आपसे नहीं लेगा, वो नहीं कुछ देगा आपको, ठीक। इसको थोड़ा अंग्रेजी में लिख दें तो कैसे होगा जी? रिटर्न नथिंग, टेक टेक नथिंग, ठीक। ये रिटर्न नथिंग मतलब रिटर्न कुछ नहीं करेगा, देगा कुछ नहीं। टेक नथिंग मतलब कुछ लेगा भी नहीं, टेक भी नहीं करेगा, कुछ लेगा भी नहीं, ठीक। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे जी? रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग मतलब ना ही कुछ लेगा ना ही कुछ देगा, ये कारण है। ये है, ये फंक्शन ऐसा है, ठीक। ये क्या कर रहा है आपसे? ये फंक्शन कुछ मांग नहीं रहा है, ये फंक्शन को जो लेना है ये अपने आप ले रहा है, अपने आप प्रिंट कर रहा है। ना ही कुछ ले रहा है ना ही कुछ दे रहा है, ठीक। तो ये जो फंक्शन था ये पहले कैटेगरी के अंदर आ गया, ठीक। आ गया ना पहले कैटेगरी के अंदर ये फंक्शन आ गया, ठीक। अब यहां पे आप चाहो तो void लिख सकते हो ऐसे। void का क्या मतलब है? कि ये कुछ भी नहीं देगा, ठीक। मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो बराबर चलेगा, ठीक है। ये देखिए 50 यहां पे लिखा जाता है रिटर्न टाइप। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ना, तो आप क्या करोगे जी? यहां पे लिख दोगे वाइड। वाइड का मतलब कंपाइलर है समझ जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन का जो सी है उसमें इसको लिखो ना लिखो दोनों चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लिखेंगे तो बढ़िया, स्टैंडर्ड है, लिखेंगे तो अच्छा माना जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस है, लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये किस नेचर का फंक्शन है, किस कैटेगरी में आएगा? ये रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग। आपको समझ में आ गया? आ गया ना। चलिए दूसरा फंक्शन अब देखते हैं किस नेचर का। रिटर्न समथिंग, ठीक। समथिंग सही लिखा हूं,
ऐसे लिखाएगा क्या, जो भी हो, रिटर्न समथिंग टेक नथिंग, सही है स्पेलिंग। मतलब इसका क्या है, रिटर्न समथिंग मतलब कुछ देगा जरूर पर लेगा कुछ नहीं। वाह भाई, बड़ा सन्यासी टाइप का ये है, ठीक है, देगा जरूर लेगा चाहे नहीं लेगा, अच्छा है ना, बढ़िया। ये तो दानी कर्ण लग रहा है, क्यों महाभारत देखा आपने नहीं देखा, चलिए देखा तो मैंने भी नहीं जी, ठीक है। कर्ण का नाम सुना, अच्छा सुने, चलो अच्छी बात है जी, बाद में कभी देखेंगे कर्ण का खासियत क्या था, ठीक है। तो इस नेचर का फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैं बनाता हूं जी। इसी फंक्शन को बदल के बना दूं क्या उस नेचर का, या इसी फंक्शन को दोबारा लिखूं, आप फोटो खींचेंगे तो खींच लो जी, इसका फोटो खींचोगे कोई लिखोगे तो लिख लो, इसको लिख रहा है कोई नहीं लिख रहा है, ठीक है मैं इसको रोक लेता हूं थोड़ी देर। चलिए जी, तो मैं डिलीट कर दूं इस फंक्शन को, इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूं, फिर से इसी फंक्शन को बनाऊंगा मैं, ठीक। अब कैसे बनाऊंगा, आई एन टी, ठीक, फिर एस यू एम सम, ठीक है, ऐसे कर दिया, पी आर आई एन टी प्रिंट, ठीक है, इंटर टू एन यू एम बी आर, ठीक है, फिर स्कैन एप, ठीक है, पर सेंट डी, ठीक है, फिर ए स्कैन एप में परसेंट एड्रेस लगेगा, एड्रेस ऑफ बी, ऐसे वेरिएबल को बना लूंगा आई ए कॉमा बी सेमीकॉलन, ठीक है, रिटर्न, फिर क्या कर दूंगा ए प्लस बी, ठीक, ए है रिटर्न, ठीक। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये कुछ ले तो नहीं रहा है, ठीक ठीक है, कुछ ले तो नहीं रहा है पर दे जरूर रहा है, क्या दे रहा है, इंटीजर टाइप का डेटा, इंट दे रहा है आपको, ठीक। पहले लेगा यहां से इनपुट फंक्शन, ठीक है, स्कैन एप से स्कैन कर लेगा और फिर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक, ए और बी को जोड़ेगा और आपको वापस दे देगा, ठीक। इसका फंक्शन का कॉलिंग कैसे होगा जी, यहां में क्या, रिटर्न समथिंग टेक नथिंग, ठीक है, ये इसका उदाहरण है, ठीक है, इसका उदाहरण है ये, ठीक है। इसको कॉल कैसे किया जाएगा, इसको भी कॉल हम वैसे ही करेंगे जैसे कि पहले वाले फंक्शन को कॉल किए थे, बस थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही मैं कंपाइल रन कर देता हूं पहले, ये बोल रहा है कि मैं कुछ गलती कर दिया हूं, का गलती कर दिया हूं भाई, चलो यही सही, जब इसको लगता ही है कि मैं गलती किया हूं तो ये देखिए, 10 एंटर मारा, कुछ नहीं हुआ जी, नहीं हुआ ना, चलिए जी, होना चाहिए था, ये फंक्शन तो रिटर्न कर दिया होगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं आखिरी में। तो फंक्शन रिटर्न करेगा तो इसको कुछ होल्ड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ करके ये रिटर्न तो करेगा आपको, लेकिन वो आपने कुछ किया ही नहीं ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आई एन टी आई नाम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, यहाँ, और फिर आई लिखेंगे ऐसे, ठीक, और फिर क्या करेंगे, पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे परसेंट डी कॉमा आई, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शन को मैंने डिफाइन करा, ठीक, मेन में प्रोग्राम आया, ठीक है, मेन में प्रोग्राम आया, आई नाम का वेरिएबल बना इन टाइप का, फिर आई मैंने लिखा, फिर सम फंक्शन को यहां पे कॉल कर दिया, ठीक। ये जैसे ही सम फंक्शन कॉल हुआ आएगा यहां पे, यहां पे ए और बी नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है, फिर यहां पे प्रिंट एफ में आ जाएगा इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर में एक नंबर में मैंने ए में डाल दिया और बी में डाल दिया, कुछ नंबर में एंटर करूंगा, फिर ए और बी को क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा,
ठीक, ए और बी को जोड़ूंगा या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, आई एन टी आई इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक, और आई को ही मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, आई के जगह पे मैं सम नाम से बनाता हूँ तो अच्छा रहेगा, एस यू एम, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब ये रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ए डेटा रिटर्न फंक्शन कहाँ करता है, जहां से कॉलिंग हुआ रहता है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सम। अब सम में वैल्यू क्या है, ए और बी में जोड़ा गया है वो सम का वैल्यू है, मान लो मैं 10 और 10 एंटर किया था तो दोनों को जोड़ के यहां पर के यहां पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 मान लो अगर मैं एंटर किया रहूंगा, 10 नंबर ए में डाल दूंगा, 10 नंबर बी में डालूंगा, तो 10 और 10 यहाँ पे 20 करेगा, 20 डाल देगा सम नाम के वेरिएबल में, सम को मैं यहाँ से मैं रिटर्न किया, और ये फिर से कहाँ आएगा, यहाँ पे मैंने सम नाम का फंक्शन कॉल करा था ना, तो वैल्यू रिटर्न वही करता है फंक्शन जहाँ से कॉलिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और ये 20 असाइन हो जाएगा आई में, और आई में यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे, ठीक। चलिए कंपाइल रन करूँ, पीछे आप लोग बातें नहीं करो, ये क्या मजाक है, अच्छा मजाक तो सही है कर रहा है ये जी, चलो कंपाइल रन कर देते हैं, 10 डाल दिया, अच्छा 20 डाल दिया, चलिए 20 और 20 40 तो ये जाना चाहिए, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है जी, ये क्या मजाक है, ऐसा मजाक इसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो क्या करना चाहिए जी हमको इसके लिए, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है जी, जरा बताओ हमने क्या इसमें गलतियां करा है, बताओगे आप लोग, नहीं बताओगे, इच्छा नहीं है, यहां पे भी मैं डिक्लेयर कर दूं क्या, सम ऐसे सेमी कॉलन बी ओ आई डी ऐसे, अब कंपाइल रन कर दूं, जरूरत तो वैसे पड़ता नहीं है जी इसमें, 10 10 फिर भी नहीं आया, इस सज्जन को आखिर तकलीफ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहीं कुछ गलत करा है, स्कैन ऐप, यहाँ से मैंने सम किया, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, इसको मैंने ए और बी को जोड़ दिया, ठीक है, मैं प्रिंट करके देखता हूँ यहीं पे कि ये क्या बोलता है, यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए ना जी, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सम ये कर देता हूँ मैं, और फिर मैं इसको कंपाइल करके रन कर दूंगा जी, 20 20, फिर भी ये नहीं हुआ जी, मुझे ये लगता है कि समस्या इसको यहीं पे हो रहा है, ये नंबर इनपुट लेने से, स्लैश एंड करके लाइन ब्रेक कर लेता हूँ मैं, तो बताओ जी क्या समस्या हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जी, क्या चीज क्यों, मुझे तो जी समझ में अब नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ही लोग जरा बताओ जी ये क्या समस्या इसको हो रहा है, बताओगे क्या समस्या हो रहा है, बताओगे, अरे यार ये तो मजा नहीं आया जोड़ दिया, तो बताओगे आप लोग क्या समस्या हो रहा था, नहीं बताओगे, चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं, फिर से कंपाइल रन कर दिया, नहीं पता पता, खैर छोड़ो, नहीं है तो बताओगे कुछ दिक्कत किसी को, इसका जरूरत होता नहीं है यार, ठीक है,
अब बताओ कुछ दिक्कत इसमें? ये इसमें किसी को कुछ समस्या हो रहा है नहीं हो रहा है? जरा बताओ। यहां पे कॉल करा, ठीक है, सम फंक्शन ने कुछ वापस किया वैल्यू, वो मैंने आई में रख लिया और आई को ही यहां पे मैंने प्रिंट कर लिया। कुछ पूछना है तो जी पूछ लो, अन्यथा हम आगे चलें। आगे चलें, समझ में आ रहा है सबको? पता नहीं इस लाइन का मतलब मुझे समझा दो यार, समझ में नहीं आ रहा है इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब बताओगे नहीं बताओगे? बताओ यार, इस लाइन को क्या हम नहीं लिखेंगे तो नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा? अच्छा नहीं जुड़ेगा, ओ चलो अच्छी बात है। अच्छा मैं ऐसे अगर कर दूं a प्लस बी और इस लाइन को हटा दूं तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप लोग खुद ही देख लो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो देख ही लिए हो गए आप लोग, अब दिक्कत कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए जी? देख लो अब हम क्या मुंह अपने मुंह से बोले। कोई समस्या हो तो बताओ जी, नहीं तो हम चले आगे। ये लो, लिखेगा कोई तो लिख लो, नहीं लिखोगे? अरे सब ज्ञानी लोग हैं, क्या करेंगे लिख के, ये काहे के लिए? अच्छा आप लिख लो तो मैं फिर इसको दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करूं फिर। लिख लिया सब कोई? ठीक है, मैं रोक लेता हूं, आप लोग लिखते रहिए, चलते हैं अब आगे थोड़ा सा। क्या काम करो ना, काहे के लिए एक ठो वेरिएबल बनाना फालतू का, ठीक है? इस फंक्शन को कट करो, ठीक है, और सीधा आई के जगह पे हम क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो क्या आप नहीं चलेगा? ये चलेगा? नहीं नहीं, मैंने गलत कर दिया, कंपाइल और रन करना। चलो जी, हो गया, आ गया। इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आया ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, ये फंक्शन में वेरिएबल बना, असाइन हुआ दो नंबर, इन दोनों नंबर को जोड़ा और जो प्लस आया, मान लो 10 और 10 मैंने एंटर करा था, तो यहाँ पे 10 और 10 को जोड़ करके यहाँ पे रिटर्न किया, तो यहाँ पे आ गया होगा 20 और 20 को प्रिंट कर दिया, ठीक, आसान है ना? चलिए जी, तो ये इस तरह से भी आप कर दो, ऐसे क्या दिक्कत है। अगला फंक्शन देखते हैं, अब अगला फंक्शन में क्या है, तीसरा, रिटर्न नथिंग, ठीक, लेकिन कुछ लेगा, टेक समथिंग, SOME, सही है स्पेलिंग, ये क्या करेगा, देगा कुछ नहीं, लेगा जरूर, ठीक है, राजनेताओं की तरह जी, ये देते तो कुछ नहीं है जी जल्दी, लेकिन लूट करना हो तो कमी नहीं करते, ठीक है। क्यों मैं सेव कर रहा हूं? अब इस नेचर का मैं फंक्शन बना लूं तो इस नेचर का फंक्शन कैसे बनेगा जी? बड़ा आसान काम है, क्यों? यहां पे मैं आता हूं, इसी फंक्शन को मैं बनाऊंगा उस कैटेगरी में, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, INTIJ, ठीक है, सेमीकॉलन, PRINT, printf, ठीक है, फिर यहां पे क्या करूंगा, डबल कोट में इंटर टू NUMBER टू नंबर सेमीकॉलन, फिर scanf से मैं ले लूंगा scanf, इससे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, परसेंट
डी फिर परसेंट डी ठीक है कॉमा एंड आई कॉमा एंड जे है ना। चलिए जी ले लिया नंबर। अब मैं यहां से बनाऊंगा फंक्शन ठीक SUM सम नाम का फंक्शन बनाया और यहां पे मैं क्या करूंगा ध्यान से आप देखना ये फंक्शन कुछ लेगा तो कैसे लेगा जी तो लेने के लिए इसके पैरेंथेसिस में लिख देंगे INT ठीक है फिर लिख देंगे A कॉमा INT स्पेस B ठीक। अब क्या हुआ इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इसमें दो ठो वैल्यू दे देंगे किस टाइप का INT और INT मतलब int टाइप का वैल्यू देंगे ठीक है इंटीजर टाइप का एक वैल्यू है ये इंटीजर टाइप का दूसरा वैल्यू है ठीक तो इंट टाइप का हम दो ठो वैल्यू देंगे ठीक है और फिर क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दूंगा मैं ठीक है परसेंट डी ठीक है और यहाँ पे ए प्लस बी कर दूंगा ठीक ठीक है ऐसे ठीक। यहां से मैंने वैल्यू लिया इन दोनों वेरिएबल को यहां पे जोड़ करके दिखा दिया तुरंत ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि INT लिखते ठीक है फिर x वेरिएबल बनाते उसमें a को डालते फिर यहां पे INT आप लिखते फिर y नाम का वेरिएबल बनाते फिर उसमें b डाल देते ठीक है और फिर दोनों को जोड़ दे यहां पे जोड़ देते आप ठीक है। पर मैंने ऐसा नहीं करा है आप चाहते तो कर सकते थे ऐसा ठीक है। फिर INT एक और वेरिएबल बनाते z ठीक है फिर यहाँ पे क्या आप करते x प्लस वाई ठीक है और यहाँ पे आप क्या करते z को आप यहाँ पे प्रिंट कर देते तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। मैंने ऐसे ना करके क्या किया सीधा a किया फिर प्लस किया b कर दिया इतना लाइन का कोड मेरे को लिखने का मर्जी नहीं है जी ऐसा मैंने कर दिया। अब क्या होगा इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना हमें फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे आएंगे नीचे लिखेंगे SUM ठीक सम लिखेंगे और इसमें यहां पे दो ठो पास करेंगे तो i को पास कर देंगे और j को पास कर देंगे ठीक है या फिर यहां पे हम सीधा ऐसे पास करते थे 10, 20। मैंने इन लाइनों को कमेंट कर देता हूं पहले ठीक है ऐसे एक कोड को मैंने कमेंट कर दिया अब ये नहीं चलेगा अब सिर्फ चलेगा ये वाला ठीक है। तो ये 10 जब कॉलिंग होगा तो क्या होगा ये जो 10 है ये आ जाएगा बी नाम के वेरिएबल में ये जो 20 है ये आ जाएगा इस बी नाम के वेरिएबल में ठीक है 10 आ जाएगा ए नाम के वेरिएबल में 20 आ जाएगा बी नाम के वेरिएबल में ए प्लस बी यहां पर मैंने जोड़ा और ये प्रिंट कर देगा ठीक सच में कर देगा क्या देखते हैं जी करता है कि नहीं करता है करेगा तो ठीक है नहीं करेगा तो देखा जाएगा ये तो सच में कर दिया है ठीक है। यहां पे आप चाहोगे तो यहां पे कर दो 20 तो 20 और 20 50 हो जाएगा ठीक है हो जाएगा ना नहीं होगा चलिए जी। तो इस तरह से फंक्शन का कॉलिंग होता है ठीक है जो फंक्शन कुछ लेता है उसको कॉल करते समय डेटा पास किया जाता है ठीक। अब ये फंक्शन कुछ ले रहा था तो हमने पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट डाला और उस आर्ग्यूमेंट को यहां पे सीधा प्रिंट कर दिया ठीक है। अब इसी को आप चाहते हो कि ये जो इनपुट है ये यूजर दे ठीक तो कैसे यूजर देगा इस वेरिएबल के सहायता से ठीक है। अब आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा कि इधर होल्ड हम क्यों नहीं कर रहे हैं तो यहाँ होल्ड हम तब करते हैं जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है ये तो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है करता है यहाँ पे void चाहो तो लिख सकते हो आप क्यों क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसलिए void आप लिख सकते हो इसमें ठीक है ऐसे। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे करोगे आप इसकी को मैं अनकमेंट कर दे रहा हूँ और i को क्या करूंगा यहाँ पे पास कर दूंगा j को क्या करूंगा इधर पास कर दूंगा तो हो जाएगा ना नहीं होगा देख लेते हैं जी 5 पास करा फिर 5 पास करा 10 आ गया ना
तो यही है जी, यूजर से इनपुट लेना है तो आप ऐसे इनपुट लोगे, ठीक। आप लोग लिखोगे तो इसे भी लिख लो, लिखना है नहीं लिखना है, मैं इसको रोक लेता हूँ थोड़े देर, नहीं लिखे यार इसको ना, मैं सुधार देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी बताया नहीं, मेरे जैसा सबका गणित लगता है अंग्रेजी कमजोर है। टू, अब ठीक हो गया जी, वही तो मैं सोचूं कि शायद ये गलत ही होगा, सही है गलत है। अब भाई मैं ऐसे लिख देता हूँ, जाओ अब ठीक है मेरा, आपका अंग्रेजी आपको मुबारक हो जी, ठीक है ना। हो गया, चलिए जी। मैं इसी एक दूसरा फंक्शन का कैटेगरी है, क्या है कैटेगरी चौथा, रिटर्न समथिंग कॉमा टेक समथिंग, ये ठीक। तो ये जी चार ठो कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या कहता है कि ये कुछ लेगा और फिर ये कुछ देगा, ये पक्का बिजनेसमैन है, ठीक है। जैसे बिजनेसमैन को आप कुछ देते हो फिर कुछ लेते हो, ठीक है, तो ये बिजनेसमैन के जैसा है, ठीक है। तो अब इसको हमने कुछ दिया, ठीक है, अब ये रिटर्न तो इसको करना पड़ेगा ना, यहां पे आईएनटी मैं लिख दूंगा, ठीक है, आईएनटी, और यहां पे कर दूंगा रिटर्न ए प्लस बी, ठीक। अभी जैसे मैंने रिटर्न करा तो हमको इसको होल्ड भी तो करना पड़ेगा इंटीजर नाम के वेरिएबल में, क्यों, तो यहां लिख दिया जेड और जेड को यहां पे होल्ड कर लिया, प्रिंट एफ के अंदर इसको प्रिंट कर देंगे जी, जाओ हमारा काम हो गया, कॉमा जेड, ठीक। अब जेड के जगह पे आप सीधा फंक्शन को कॉल कर सकते थे, कैसे, ऐसे इस तरह से आप कॉल कर सकते थे इसको, मैं कंपाइल रन कर देता हूं, नहीं होगा ना ऐसे, टू टू ऐसे आप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा ना करके, फोटो फाटो आप खींचोगे तो खींच लो इसका, खींच लिए, मैं ऐसा ही रहने देता हूं इसको, ठीक है, मैं ऐसा ही रहने दे रहा हूं, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है जी, यू यहां पे वेरिएबल बना, यहां पे मैसेज आया इंटर टू नंबर, यहां से हमने इनपुट लिया और इस वेरिएबल में जैसे ही डेटा यहां पे और यहां पे आया, इन डेटा को मैंने इस फंक्शन में भेजा, ठीक। यहां पे ए और बी में रिसीव हो गया, यहाँ पे वैल्यू जोड़ा और जोड़ा तो रिटर्न कर दिया जेड में आ गया और उसी जेड को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ठीक। पहले वाले में क्या हो रहा था वो तो समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा होगा, जो मैंने जेड के जगह पे ही फंक्शन कॉल कर दिया था, समझ में आया पिछला वाला, जो मैंने जेड के जगह पे फंक्शन कॉल करा था। आप इसको लिख लो तो उसको समझाऊंगा, फिर अभी लिख लो आप इसको या फोटो फोटो खींच लो, कुछ जौन मन करे कर लो। इसको थोड़े देर के लिए रोक के रखता हूं फिर, चलिए जी ये हो गया, मैं इसको कंट्रोल जेड मारता हूं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जेड नहीं करना चाहिए, कंट्रोल वाई कर देना चाहिए, ऐसा मैंने पहले बार करा था, ठीक। इसमें क्या हुआ, यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहां पे क्या हुआ, जैसे ही हमने फंक्शन कॉल करा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, जैसे ही हमने फंक्शन कॉल करा तो क्या हुआ, आई और जे को फंक्शन के कॉलिंग में पास किया, ये दोनों के में रिसीव हो गया और यहाँ पे प्लस किया और फिर इस जगह पे वैल्यू को आके रख दिया और इसको सीधा प्रिंट कर दिया,
यही है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो यही जो है आपका फंक्शन हो कंप्लीट हो गया। अब कुछ पूछना है आपको इस फंक्शन में तो पूछ लो जी, नहीं पूछना है तो कह दो हम सर्वगुण संपन्न है जी। चलो 100 कर दिया, 100 कर दिया, 200 आ गया। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, नहीं पूछना चाह रहा है? इतने तरह के फंक्शन जो थे, तो जरा बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को है? दिक्कत नहीं है, ये कुछ कैटेगरीज हैं फंक्शन के, ठीक है। चलिए, तो कुछ पूछना है जी किसी को फंक्शन में, नहीं पूछना है? फंक्शंस में किसी को कुछ पूछना है? मैं सच बता रहा हूं आपको, प्रोग्रामिंग में, ये सी का नहीं बात कर रहा हूं, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। सी शार्प हो, आप थोड़े दिन में ना विजुअल बेसिक पढ़ने वाले हो, और विजुअल बेसिक में इस फंक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। विजुअल बेसिक में होगा, सी शार्प में होगा, सारे लैंग्वेज में लगभग होगा, ठीक है। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, फंक्शंस का इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक। और फंक्शन अगर आप भूल गए तो समझ जाओ कि आप प्रोग्रामिंग करना भूल जाओगे फिर, ठीक है। फंक्शंस को जितने बार कॉल करोगे उतने बार आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जहां पे फंक्शन को कॉल करोगे वहीं पे जो है आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है? नहीं पूछना है जी, तो सच में नहीं पूछना है किसी को? चलो जब नहीं पूछना है तो सबको समझ में आ गया मेरे को, अब लगता है मैं ही कुछ पूछ लू लगता है मेरे को, मैं ही कुछ पूछ लू ना, कहे भाई ये तो बड़ा ना इंसाफी है, मैं ही अब कुछ पूछ लेता। कैर नेम इक्वल टू कुछ भी डाल दो, नहीं कुछ भी नहीं डालूंगा मैं, print_ प्रिंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। फंक्शंस यहाँ पे मैंने कॉल करा, यहाँ पे आया, फंक्शन बनाया print_ आउटपुट इसका जरा बताओ क्या आएगा? आउटपुट इसका क्या आएगा? प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन करूंगा तो कितने बार नाम प्रिंट होगा? 4 बार। रन कर दिया जाए, इसके जगह पे मैं लिख देता हूं कितने बार प्रिंट होगा, बताओ क्या यार होगा? अब ठीक हो गया, बताओ जी कितने बार प्रिंट होगा, कितने बार प्रिंट होगा? 3 बार प्रिंट होगा, सच में पक्का? नहीं हुआ तो चलो जब कह रहे हो तो हो ही जाएगा। चलो 3 बार कहे हो ना, ठीक है। हिंग मार दिया लगता है मेरे को। सोर्स कोड नॉट कंपाइल, कर लो ना भाई कंपाइल, करने में तुमको क्या परेशानी हो रहा है? print होता है भाई print, ठीक है।
कंपाइल रन कितने बार हो गया? अच्छा तीन बार हो गया है, चलो हो गया है तो स्लैश एन मैंने हटाया था इसलिए। अब आउटपुट बताओ। क्या क्या प्रिंट होगा बताना शुरू करो अब। पहले नंबर पे क्या आएगा अब बताओ। ठीक है अब बताओ। ठीक अब क्या उसके बाद दूसरे पे वही आएगा? चलिए जी दूसरे में वही आएगा। तीसरे में क्या आएगा? अच्छा कितने बार प्रिंट होगा ये आएगा पक्का? अब बताओ। ठीक है बता देते हैं जी। अच्छा अब बताएं क्या बताएं भाई? तो ये प्रिंट होगा मतलब। चलिए कंपाइल रन कर देते हैं, क्या लिखा है आपके भाग्य में देखते हैं। हाँ ठीक है अब बता दो हो गया। चलिए जी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दो, छोड़ दो रहने दो अब। तो सारे लोग आप लोग ना फंक्शंस का प्रैक्टिस कर लेना जी, आगे कल पढ़े आप, फिर कल पढ़े आप। तो और सब ठीक है? ठीक है ना? अच्छा ठीक ही है। एक और प्रोग्राम बना लेता हूँ मैं। रिटर्न ये वाला चलेगा कि नहीं जी? जरा बताना जी इसका आउटपुट क्या आएगा? पक्का? आर यू श्योर? ये तो एरर बोल दिया यार, ये क्या मजाक है? ये हटा दूं इसको? हटा देता हूं। अच्छा ये तो फिर से बोल दिया एरर, ये ऐसा क्यों कह रहा है? अच्छा प्रिंट के पास एफ नहीं है, पी आर आई एन टी। हाँ एफ तो लिखा हूँ जी इसमें, ये नाम है, ये फंक्शन का नाम है प्रिंट नेम, इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है बताओ जी जरा क्या खासियत है? अच्छा इसमें ये दे दूँ, इसमें तीन लिख दूँ तो चलेगा, दो लिख दूँ, कुछ लिख देते हैं अब चलेगा क्या? जरा बताओ जी क्या समस्या हो रहा है इसको? देखो राहुल तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? अच्छा कमलेश बड़ा दूध का धुला है। ओ, मैं दूध से ही धुला हूँ, दूध से ही ला के आता हूँ डेली। तो बताओ यार इसमें क्या समस्या आ रहा है? चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसका, ठीक है फिर मेरे को बताइएगा कि समस्या क्या आ रहा है। क्यों बताओगे ना? नहीं बताओगे या इसको हटा दो? क्यों बताओगे भाई? नहीं बताओगे? ये तो एरर ही दे रहा है भाई, बताओ। आप इसको प्रैक्टिस करना, मैं छोड़ रहा हूं आप पे, ठीक है? और फिर सुबह आके बताना कि प्रॉब्लम क्या था, या फिर आज ही बता देना जी। आप लोग तो ज्ञानी आदमी लोग हो, क्यों सही है ना? चलिए जी तो बंद करूं मैं इसको, बंद कर दूं? चलिए जी और कुछ पूछना है?
नहीं पूछना है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है तो बहुत अच्छा बात है जी, मत पूछो, ठीक है। आप लोगों का असाइनमेंट का क्या है, कहाँ तक पहुँचे हो? एक भी नहीं लिखे, पेन नहीं मिला? तो पेन खरीदने के लिए दिक्कत क्या है? क्यों पेन आप लोग खरीद लो ना, काफी नहीं है?